उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल की पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जनसभा लुभाने वायदे। धर्म जाति के आधार पर समीकरण बनाने में एड़ी चोटी तक का दम लगा रही है। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह के द्वारा ठाकुरों के इसी बहुमूल्य क्षेत्र स्वामी बाबा की तपोस्थली मैदान पर आकर भाजपा सरकार के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी और छाता शुगर मिल को चालू कराने का वायदा किया था। उसने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया। आज फिर 5 साल बाद सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ आकर विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण चौधरी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। स्वामी बाबा के मैदान पर अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री की झलक देखने के लिए हजारों की संख्या में जनसमूह उमड़ पड़ा और योगी योगी के नारे लगने लगे। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किए गए कोरोना काल में एवं सरकार की उपलब्धियों का बयान किया। नारी सुरक्षा के बारे में भी मंच से सभी जनसमूह को बताया कि अगर कोई भी हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार में पैसों का गबन नहीं किया जाता था। पिछली सरकार में जो पैसा इतर व्यापारियों के घर पहुंचाया जाता था वह पैसा अब विकास कार्यों में लगता है। हमारी सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। डबल इंजन की सरकार के द्वारा लोगों को 2 बार राशन वितरण किया जा रहा है। छात्रों को टैबलेट देने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो लोग वैक्सीन के लिए कार्य को फेल करना चाह रहे थे आज हमारी सरकार के द्वारा बड़ी उपलब्धियां हैं। सभी को वैक्सीन लगाई गई है। क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आप भी वैक्सीन लगवा लें तो आप भाजपा के पक्ष में मतदान अवश्य करें। मंच से पिछली सपा सरकार को दंगे वाली सरकार बताया और कहा कि अप्रैल 2012 है। सपा सरकार के कुछ महीने बाद कोसी कला में दंगा कराया गया। 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। आज एक भी दंगा दबंगाई किसी की भी हिम्मत नहीं है कि दंगा कर जाए। उसे पता है हमारा बुलडोजर तैयार खड़ा है। उसके दंगा करने की सजा उसके 7 पीढ़ी तक याद करेगा। उसके आपके चहेते कैबिनेट मंत्री ने छाता विधानसभा के विकास के बारे में विधानसभा में मुझे बताया कि और बंद पड़ी हुई चीनी मिल के लिए हमारी सरकार ने बजट आवंटित कर दिया है। इस क्षेत्र के लिए आलू उपदान करने वाले किसानों के लिए चिप्स फैक्ट्री बनवाई है। भाइयों याद रखना कि 10 मार्च के बाद ऐसे भूमाफियाएं दबंगाई दिखाएंगे जो हाय राम भी प्रधान की हत्या करने वाले मेवाड़ से बुलाए गए हत्यारों को जेल में डालने का काम करें। इसलिए छाता विधानसभा सभी की सभा जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि चौधरी लक्ष्मी नारायण को अब की बार आने वाली 10 फरवरी को 1 लाख पार कराकर लखनऊ भेजने का काम करें। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना की तीसरी लहर अब समाप्ति की ओर है। आगे 1 सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि तीसरी लहर भी समाप्त, कोरोना उत्तर प्रदेश से फिर गायब। स्पीकर के सामने रखो। लेकिन कोरोना कालखंड में एक बात आपने देखी होगी, कोरोना के दौरान सपा बसपा कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं था। जब तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी और या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आकर के सेवा कर रहा था। कोरोना ने जो लोग उस संकट के समय आपके साथ नहीं थे, अगर आज चुनाव में भी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वे संकट के साथी नहीं, वे अवसरवादी हैं और अवसरवादी को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको
फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, जो लोग कोरोना फैला रहे थे, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, आप में से 70% लोगों ने वैक्सीन ली है। इसलिए वैक्सीन लेने वाला हर वोट कमल के निशान पर।